हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारा एडिट गाइज। सो गाइज कैसे हो सारे, आई होप कि आप हमेशा की तरह मस्त होगे। सो गाइज आज की इस नए वीडियो पे हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग जो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। सो गाइज अगर आप लोग को भी जानना है कि इस टाइप से एडिटिंग को कैसे करनी है एंड अपने फेस पे कैसे डिटेलिंग लानी है और डॉजन बर्न कैसे करते हैं, तो गाइज इस वीडियो पे मैं आप लोगों को आज सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बस यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक एंड गाइस चैनल पर जो भी बंदे नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ऐसी वीडियो हम रोज़ लेके आते रहते हैं और लाते भी रहेंगे। और गाइस अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहो तो यार फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइज सबसे पहले अब आप लोगों को आ जाना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों के पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एंड आप लोगों को ये बैकग्राउंड भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने ऐड फोटो की तरफ एंड ऐड फोटो की तरफ जाने के बाद यहाँ से हम एक अपना मॉडल ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि इसको हमने ऐड कर लिया, तो गाइज अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करते नहीं आता तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया है, देख सकते हो कि कैसे करना है अच्छे से बैकग्राउंड को इरेज HD में। तो इसको मैं अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूँ अपने बैकग्राउंड पे। तो गाइज थोड़ा छोटा ही रखना है हमें मॉडल को, ज़्यादा फ्रेम में नहीं लेना है। तो यहाँ से मैं सिंपली डन करूँगा एंड डन करने के बाद गाइज अब हमको क्या करना है कि फिर से अपने ऐड फोटो की तरफ चलना है एंड ऐड फोटो की तरफ जाने के बाद यहाँ से हमको एक पोजर वाला जो एक PNG मिलेगा टेक्स्ट PNG, इसको ऐड कर लेना है एंड ऐड करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है इसको 60 रखना है 16 एंड इतना करने के बाद इसको ऊपर की तरफ ले जाना है एंड ऊपर की तरफ ले जाने के बाद थोड़ा सा इसको मैं छेड़ लेता हूँ एंड यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको डन। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये हो चुका है। सो गाइज हमारे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर यही था, इसको ड्रॉ में चलते हैं एंड ड्रॉ में चल के 3 डॉट पर क्लिक करते हैं एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस पिक्चर को करते हैं सेव। एंड गाइज अब हम चलते हैं अपने थोड़ा Lightroom एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पे आप लोगों को आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। सो गाइज जैसे कि देख सकते हो मैंने अपने फ़ोटो को Lightroom के अंदर ले आया हूँ, तो आप लोगों को भी ऐसे अपने फ़ोटो को ले आना है अपने Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज यहाँ से आ जाना है हमको लाइट वाले टूल पे, कॉन्ट्रास्ट को माइनस की साइड करना है -30, हाईलाइट को भी -25 रखेंगे हम एंड जो इसका शेडो है शेडो को थोड़ा इंक्रीज़ की ओर करता हूँ 20 एंड वाइट को भी हम थोड़ा माइनस की साइड रखेंगे 26 सही है एंड इतना करने के बाद ब्लैक्स को थोड़ा इंक्रीज़ की तरफ कर देंगे। सो इतना करने के बाद अब हमको नीचे वाले टूल पे आ जाना है, तो नीचे वाले टूल पे मैं आ जाता हूँ एंड गाइज यहाँ से जो वाइब्रेंस है वाइब्रेंस को हमको इंक्रीज़ की तरफ करना है एंड जो इसका सेचुरेशन है माइनस की तरफ करना है एंड इसका जो टिंट है टिंट को भी थोड़ा माइनस की तरफ कर लेता हूँ। सो ओके एंड इतना करने के बाद अब हमको आ जाना है अपने मिक्स टूल पे, तो मिक्स टूल पे आना है एंड इस कलर पे चलना है एंड यहाँ से जो इसका सेचुरेशन है सेचुरेशन मैं इसका रख दूंगा -17 इतना सही है एंड इतना करने के बाद ह्यू को थोड़ा मैं छेड़ लेता हूँ अपने हिसाब मुताबिक एंड इतना करने के बाद अब आ जाएंगे इस टूल पे एंड ह्यू इसका रखेंगे -40, सेचुरेशन को -24 एंड जो इसका इतना करने के बाद गए जो लूमिनेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। इतना करने के बाद ये जो सारे कलर हैं ये और इधर के ये इसका सेचुरेशन पूरा -100 कर देना है आप लोगों को। सो इतना करने के बाद यहाँ पे आना है सेचुरेशन को इंक्रीज की तरफ कर देना है एंड जो इसका लूमिनेंस है लूमिनेंस को हमको थोड़ा लूमिनेंस सही है इस पर भी इसका सेचुरेशन इंक्रीज करेंगे ताकि लिप्स जो है उसका कलर वापस आ जाए। एंड गाइज इतना करने के बाद यहाँ आएंगे एंड यहाँ से आने के बाद इस सर्कल पे क्लिक करेंगे एंड जो इसका ये जो कलर मैं लेके जा रहा हूँ आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, तो कलर को मैं जिधर जिधर ले जाऊँगा आप लोग भी चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो का यहाँ पे। तो मैं जैसे इसको राउंड कर रहा हूँ वैसे करिएगा आप लोगों को, तीनों कलर का कलर मिलाना मतलब तीनों सर्कल का कलर अच्छे से मिला देना है। सो देख सकते हो इतना करने के बाद गाइस बिफोर एंड आफ्टर देखो एंड इतना करने के बाद गाइस क्या करना है सिंपली कर देना है आप लोगों को डन एंड डन करने के बाद गाइस अब क्या करना है इस पे आना है क्लियरिटी को 40 रखना है, विग्नेट को माइनस की तरफ करना है -20 एंड इस पे आना है शार्पनेस को इंक्रीज़ करना है, नॉइज डिटेक्शन को इंक्रीज़ करना है, मास्किंग को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं एंड कलर नॉइज़ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं।
सो इतना करने के बाद अब देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने के बाद थोड़ा मैं रिटर्न आता हूँ इस कलर में एंड थोड़ा सा इसका सेचुरेशन माइनस की तरफ करता हूँ, तो इसको रखूँगा मैं -55। इतना करने के बाद गाइज देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे आना है। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा हम फोटो पे डिटेलिंग करेंगे, इसके लिए हमको स्नैपसीड एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं हम स्नैपसीड के अंदर। तो ऊपर से शेयर करना है हमको अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर, तो उसकी लिंक भी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो गाइज़ वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा आप लोग। तो गाइस तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगने लग गया है क्योंकि गर्मी आ गई है। सो हमारा ये लोडिंग ले रहा है, सो आ गया है हमारा ये। तो ये देख सकते हो स्नैपसीड का आइकॉन ऐसा होता है, तो स्नैपसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सिंपली स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो इतना करने के बाद हमको क्या करना है कि पेन टूल पे क्लिक करना है, जो पेंसिल वाला आइकॉन है इस पे, एंड डिटेल्स वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। एंड इसकी जो डिटेलिंग है इसको मैं बता रहा हूँ कितना रखना है आप लोगों को, इसको रख देना है आप लोगों को 55+55। एंड इतना करने के बाद गाइस जो इसका टेक्चर नहीं सॉरी, तो इतना पहले तो कर देते हैं हम। एंड इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से कर देता हूँ मैं डन। एंड डन करने के बाद गाइस देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। एंड इतना करने के बाद अगर आप लोग फोटो पे डिटेलिंग देना चाहो तो ऐसे ही रख दो, और अगर सिर्फ फेस पे डिटेलिंग देना चाहते हो तो देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना। यहाँ से मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ 75। एंड इसको हमको अपने फेस पे ड्रॉ करना है ऐसे, ये देखो ऐसे, अपने कपड़ों पे भी थोड़ा थोड़ा मार लेंगे ताकि चमक आ जाए हमारे कपड़ों पे। इतना करने के बाद गाइज अब हमको क्या करना है, सिंपली कर देना है डन। एंड डन करने के बाद अब देख सकते हो यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख सकते हो कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। सो गाइज इतना करने के बाद अब आप लोगों को फिर से इस पे आना है एंड यहाँ से ब्रश पे आना है, इसको 5 रखना है इसका साइज, एंड इस पे थोड़ा डॉजन बर्न देना है, जिसको डॉजन बर्न कहते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो इस पे हम थोड़ा कपड़ों पे चमक ले आएंगे इसको ड्रॉ करके, तो मैं अपने ड्रेस पे भी मार लेता हूँ। सो थोड़ा फेस पे भी मैं जूम करके मार लेता हूँ, ये देख सकते हो। तो गाइज यहाँ से ऐसे देख सकते हो मैं जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे भी कर देता हूँ, एंड थोड़ा थोड़ा और भी ड्रेस पे भी मैं मार देता हूँ। सो इतना करने के बाद यहाँ से देख सकते हो डन कर देंगे, एंड डन करने के बाद अब देखो बिफोर एंड आफ्टर। सो इतना करने के बाद गाइज अब आप लोगों को क्या करना है कि पेंसिल वाले आइकॉन पे आना है, ट्यून इमेज पे जाना है, सबसे नीचे वार का ऑप्शन होगा वहाँ पे आना है, एंड जो इसका ये है इसको 2 ब्लू के साइड रखना है -2 के आसपास। सेचुरेशन को इंक्रीज की ओर करेंगे -10 के आसपास। एंड इतना करने के बाद गाइस सिंपली कर देंगे डन। एंड डन करने के बाद अब हमको क्या करना है कि इस पिक्चर को सेव करना है, तो सेव करने के लिए यहाँ से देखिए साइड वाले से कर देंगे डन, एंड ये पिक्चर आप लोगों की अपनी गैलरी पे हो जाएगी सेव।